हेलो ब्रोन, कैसे हो आप लोग? दोस्तों, अगर आप एक टेक्निकल चैनल चलाते हो तो आज मैं आपको कुछ ऐसे मिस्टेक बारे में बताने वाला हूँ जिसको आपको नहीं करना है। अगर आप ये मिस्टेक करते हो, ये गलती करते हो, तो आपके यूट्यूब चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक या कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा। तो गाइज, आपको ध्यान देना है, ये सारी गलतियाँ आपको नहीं करना है, नहीं तो आपका वीडियो रिमूव हो जाएगा। सो गाइज, जो पहली गलती है, ये नहीं करना है कि आपको किसी भी अदर एप्लीकेशन या वेबसाइट का लिंक आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं रखना है, नहीं देना है, जो कि प्ले स्टोर पर नहीं है। मतलब ऐसे एप्लीकेशन के लिंक नहीं देना है जो कि प्ले स्टोर पे नहीं है। अगर आप किसी एप्लीकेशन का लिंक देते हो और उसका स्पॉन्सरशिप लिए हो तब चलेगा, यानी स्पॉन्सरशिप लेके उस ऐप का या उस वेबसाइट का लिंक दोगे तब चलेगा। लेकिन बिना स्पॉन्सरशिप के आप उस वेबसाइट या एप्लीकेशन के लिंक को देते हो और वो एप्लीकेशन प्ले स्टोर पे नहीं है, गूगल या क्रोम ब्राउजर से उसे डाउनलोड करना पड़ेगा। अगर आप उसको आप उसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन में दोगे तब भी आपके यूट्यूब चैनल पर हार्मफुल डेंजरस करके आ जाएगा और आपका वीडियो रिमूव हो जाएगा और आपके चैनल पर एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा। सो गाइज, ये तुम्हारी पहली गलती है। और दूसरी गलती ये नहीं करना है गाइज, यहाँ पे कई लोगों को पता नहीं है कि वो अगर किसी ऐप के बारे में बताते हैं, मतलब बहुत सारे वेबसाइट और ऐप्स ऐसे हैं, अगर आप उसके बारे में बताओगे, सिर्फ आपको बताना है, चाहे लिंक दें या ना दें, अगर आप उसके बारे में बताते हो कि वह चीज़ें कैसे क्या करना है, तो गाइज तब भी आपके यूट्यूब चैनल पर एक कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा और आपके आपका वीडियो जो होगा उससे हार्मफुल डेंजरस करके रिमूव कर दिया जाएगा। दोस्तों, यह यूट्यूब का नियम है। दोस्तों, मान लीजिए कि आपने किसी भी चीज़ का, जैसे कि इन दोनों चल रहा है कि नई नई मूवी जो होती हैं वो रिलीज होती हैं, रिलीज होने के बाद कुछ वेबसाइट ऐसी हैं कि उसे तुरंत अपने वेबसाइट पर अपलोड कर देती हैं और वहाँ से वो बहुत सारे लोग डाउनलोड कर लेते हैं। अगर आप ऐसे एप्लीकेशन को या आप ऐसे वेबसाइट के बारे में बताओगे कि नई मूवी डाउनलोड करने के लिए आपको ये सब करना होगा, इस वेबसाइट पर जाना होगा और उसको स्क्रीन रिकॉर्डर के द्वारा स्क्रीन रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करोगे, तब भी आपके यूट्यूब चैनल पर एक स्ट्राइक, कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा या तो आपका वीडियो रिमूव हो जाएगा। आपको एक बार माफ किया जाता है कम्युनिटी स्ट्राइक में, लेकिन गाइज अगर आपके भी यूट्यूब चैनल पर 3 बार कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाता है, कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आता है, तब भी आपका चैनल हमेशा हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा। सो गाइज, आपको ध्यान देना है किसी भी ऐप के बारे में या किसी ऐसे एप्लीकेशन के बारे में या किसी ऐसे वेबसाइट के बारे में आपको नहीं बताना है जो कि लीगल ना हो। जैसे कि यहाँ पे मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाया था, एक विदाउट वाटरमार्क वीडियो एडिटिंग के बारे में, किसी उसे गूगल से या प्ले स्टोर से कैसे डाउनलोड किया जाता है। मैंने बताया था कि क्रोम में जाके क्या कुछ करना होता है विदाउट वाटरमार्क एडिटिंग ऐप को डाउनलोड करने के लिए। गाइज, यहाँ पे वह वीडियो मैंने अपलोड किया यूट्यूब पे और वह वीडियो डिलीट हो गया और मेरे पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाएगा। तो गाइज, मैंने सिर्फ इतना किया था कि एक विदाउट वाटरमार्क वीडियो एडिटिंग के बारे में बताया था, उसे कैसे डाउनलोड किया जाता है, पूरा ट्यूटोरियल मैंने उस वीडियो में बताया था, लिंक वगैरह कुछ नहीं दिया था, सिर्फ बताया था। बताने के बाद मैंने जब उस वीडियो को YouTube पे अपलोड किया, अपलोड करने के बाद तुरंत वह वीडियो डिलीट हो गया और मेरे पास एक कॉपीराइट स्ट्राइक आ गया, यानी जिस ऐप के बारे में बताया था उस ऐप का वेबसाइट मैंने सिर्फ दिखाया था बस, और उस ऐप ने मुझे एक कॉपीराइट स्ट्राइक दे दिया जो कि मैंने 3 महीने उसको झेला और 3 महीने बाद वह हट भी गया। दोस्तों, ऐसे ही आपके यूट्यूब चैनल पर आ जाएगा अगर आप किसी फर्जी एप्लीकेशन के बारे में बताते हो या वेबसाइट के बारे में बताते हो कि कैसे उससे विजिट किया जाए। हाँ, अगर वह लीगल है, मतलब सही है, तो अगर आप उसके बारे में बताओगे तब चलेगा। लेकिन अगर आप इलीगल, मतलब जो कि प्ले स्टोर पर ना हो और आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप दिया ना हो उस वेबसाइट के बारे में बताने के लिए, तो गाइज ऐसा चीज़ें मत करना, नहीं तो आपके यूट्यूब चैनल पर भी कम्युनिटी स्ट्राइक आ जाएगा और आपका भी वीडियो डिलीट हो जाएगा। और दोस्तों, आपको ध्यान देना है कभी भी किसी का वीडियो, अगर आप एक टेक्निकल चैनल चलाते हो तो यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना है, गलती से भी गाइज आपको किसी का भी वीडियो नहीं लेना है। शॉर्ट्स वीडियो तो बिल्कुल भी नहीं लेना है, मतलब फुल वीडियो, शॉर्ट्स वीडियो, कोई भी वीडियो किसी का नहीं लेना है, नहीं तो आगे चल के आपको बहुत प्रॉब्लम झेलनी पड़ सकती है।